हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। फिलहाल तो ये अपना सेकंड एपिसोड है इस गेम का। फर्स्ट एपिसोड आपने देखा था कि हमने बहुत कुछ अपडेट कर लिया था अपने शॉप पे। फिलहाल बजे सुबह के 7 और घर पर यह है मेरा प्यारा सा बेड। और फिलहाल डर्टीनेस और यूरिन सब कुछ सही है, सिर्फ हंगर लगी है। तो कोई बात नहीं, अभी हम जाते जाते खाना भी खा लेंगे। फिलहाल चलते हैं नीचे और इस घर को भी हम पूरा अपडेट करना है, सब कुछ लगाना है, टीवी सोफ़ा वगैरह सब कुछ। चलो सबसे पहले इस डोर को ओपन करते हैं यहाँ से क्लोज। और आज सुबह का टाइम है तो थोड़ा मौसम भी अच्छा है, ठंडा मौसम है। चलो सबसे पहले चलते हैं हम अपने शॉप की ओर। और ये रही मेरी कार, और आज इसमें फ्यूल देख लेते हैं एक बार। फ्यूल स्टेटस ऑल राइट, 79% है फ्यूल, 82% गैस है। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो हम बाद में भी करवा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो विज़िट करेंगे हम बर्गर शॉप, क्योंकि खाना खाना है और भूख लगी है हमें। टोटल 73% हंगर है, तो चलो फटाफट चलते हैं वहाँ पर। और ये हम आ चुके हैं बेस्ट बर्गर शॉप पर। कार को यहाँ पर पार्क करते हैं। ओके चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज हम क्या ट्राई करें। सोच रहा हूँ क्यों ना पिज़्ज़ा खाया जाए आज। ऑल राइट, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और इनसे एक बार बात कर लेते हैं। तो फिलहाल तो पिज़्ज़ा ही खा लेते एक। यस बाय कर लो, ये आ चुका है पिज़्ज़ा मेरे हाथ पे। इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे और इसी के साथ खा लिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, वर्कर सैलरी $50 कट हो चुके हैं। तो आज हमें बहुत कुछ सोच समझ कर काम करना होगा, क्योंकि अपने वहाँ पर स्टॉक पड़ा है पर अभी बैलेंस कम होते जा रहा है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलो फटाफट चलते हैं अपने शॉप के पास और देखते हैं कि आज हम कितना कमा सकते हैं एक दिन में। फ़िलहाल अपने पास है $334। अभी जाकर पता करते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं। और यहाँ पर फिर से पुलिस आ चुकी है, तो हम स्लो चलेंगे। और सुबह सुबह यहाँ पर लोग आना जाना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। कार को यहाँ पर अंदर जाकर पार्क कर देंगे, सोच रहा हूँ यहाँ पर ही पार्क कर दे। ऑल राइट, यहाँ से अपना स्टोर भी दिखता रहेगा और दोनों चीज़ होता रहेगा, बहुत ही बड़े। और अपना वर्कर आ चुका है सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा। यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे और ये वाला शटर भी ओपन कर देंगे ताकि कस्टमर्स आ सके। फिलहाल तो अपने पास सामान बहुत है, एक कस्टमर आ ही गया, क्या बात है। आते ही अपना चालू हो चुका है शॉपिंग। कॉफ़ी है, थोड़े से ड्रिंक्स है और फिर है लिक्विड्स, ऑयल, सब कुछ है, हैंड सोप। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज और शेल्फ लाया जाए। चलो सबसे पहले तो इस लैपटॉप में देख लेते हैं कि क्या टोटल हमने अब तक $27 की इनकम कर ली है। कंप्लेंट्स फिलहाल कुछ नहीं है, पर शॉप अपग्रेड्स में है, न्यूज़पेपर स्टैंड, जूस मशीन, सब कुछ, बहुत कुछ है। ये सब हम बाद में भी ले सकते हैं, इसका कोई टेंशन की बात है नहीं। तो मुझे अभी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा कहाँ से है। और वेट, हम यहाँ से सेकेंड फ्लोर भी परचेस कर सकते हैं $5,000 से, तो वो भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। कस्टमर इज लव नो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की डिमांड है पर प्राइस उसकी ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल $134 है और देखते हैं कि अपने पास स्टॉक क्या क्या पड़ा है। ओके, एक बॉक्स ही पड़ा है यहाँ पे और वो भी है डाइपर्स का, तो मतलब नहीं है। चलो इसको करते हैं क्लोज। डाइपर्स तो अपने पास अभी यहाँ पर 6 पैकेट्स अवेलेबल है। चलो कोई बात नहीं, और ये अपना वर्कर है जो पूरा कैश संभालता है, सब कुछ है।
फिलहाल तो यहाँ से कैश ले लेते हैं टोटल, और $6 मिल जाएगा तो हम शॉपिंग के लिए चले जाएंगे आज, क्योंकि 200 का हम थोड़ा और सामान ले आएंगे। बाकी अभी थोड़ी देर वेट करते हैं कि क्या सीन बनता है। वैसे तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना फटाफट चला जाए। और ये हम आ चुके हैं इस कार पे, तो चलो फटाफट चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या है। आज अगर टूथपेस्ट वगैरह सब चीज़ सस्ती हो गई रहेगी तो हम ले लेंगे। चॉकलेट बिस्किट का भी नोटिस आ चुका है गाइस, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये रोड जो है पूरा जंगल से होते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉक करके जाने में भी डर लगेगा। चलो ठीक है, ये सब चलता रहेगा, फटाफट अभी चलते हैं हम जेबर शॉप के उधर, और थोड़ा रिक्वायरमेंट्स अपनी जो भी है वो परचेस करते। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ जेबर शॉप, यहाँ से मैं कार को फुल रिवर्स डायरेक्शन पर पार्क करूँगा, ऑल राइट, ताकि मुझे सामान निकालने में इजी रहे। ओके, यहाँ से करते हैं इसको ओपन, चलो चलते हैं अंदर। और $194 का है। सबसे पहले तो हम टूथपेस्ट चेक करेंगे कि कितने में हमें मिल सकती है टूथपेस्ट। ओके, ये रही, और ये गुड प्राइस में है तो इसको हम ले लेते हैं सबसे पहले। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, चलो नोटिस आ चुका है लैपटॉप से, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा तो वो भी देख लेते हैं। फिर चॉकलेट बिस्किट्स हमें ढूंढना है, बिस्किट्स का सेक्शन ओके ये साइड है, डार्क चॉकलेट। फिलहाल तो कहीं पर चॉकलेट बिस्किट्स दिखाई नहीं दे रहे, पर वेट, ये गुड प्राइस पर व्हीट बिस्किट मिल रहे तो इसको ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अपने शॉप पर बिस्किट है ही नहीं, तो एक अपने पास ऑप्शन मिल जाएगा कि चॉकलेट के जगह पर अपन ये वाले बिस्किट बेच सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर है ये बीफ, ओके कैश्यूज, ये भी गुड प्राइस पे, इसको ले लेते हैं एक बॉक्स। चलो ओके, हम इतना ही सामान रखेंगे, इसको करते हैं क्लोज यहाँ से, फटाफट चलते हैं क्योंकि अपना इलेक्ट्रिसिटी जो शॉप का था वो कट चुका है, तो इसको अभी बिल पे करना पड़ेगा। चलो फटाफट चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। सो लेट्स गो। फाइनली गाइस, यहाँ से लेफ्ट लेते ही हम स्ट्रेट आ जाएंगे अपने शॉप पर। वैसे तो कल पूरा दिन बारिश था, पर आज कुछ बारिश है नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये मैं आ चुका हूँ अपने शॉप के उधर पास, रिवर्स ले लेते हैं कार को। ओके चलो उतर गए हम यहाँ से, और इसको यहाँ से ओपन कर देते। चलो चलते फटाफट, और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो पे कर देते हैं। लेट्स गो। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल $150। ओके एड फंड्स, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ से कैश उठाना पड़ेगा, और अभी हम देखते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं। एड फंड्स टू द कार्ड यूजिंग ATM, चलो कोई बात नहीं, फटाफट चलते हैं। सामने ही है बैंक, यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कि भाई अपने पास है $158। $150 को हम ट्रांसफ़र करेंगे कार्ड के अंदर, और इसी के ओके शिट, मैंने गलती कर दी, हमें कार्ड पर ट्रांसफ़र करना था, तो बैंक से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं $150। और ये हो चुका है डन, चलो फटाफट चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको पे कर देते। ऑल राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से अपने इस लैपटॉप के पास, और यहाँ से मैं पे कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। यार अभी तो मैंने फंड डाले, कहाँ गया? अरे यार चलो फिर से जाना पड़ेगा बैंक। चलो 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 भाई फटाफट।
उसके बैंक से मुझे $150 ट्रांसफ़र करने हैं और ये हो चुका है डन। चलो बढ़ते हैं फटाफट अपने शॉप के पास। और अपना शॉप कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, द सुपर मार्केट। चलो गाइस फटाफट बढ़ते हैं अभी हम यहाँ पे और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फिर से आ सकती है कि नहीं। और फाइनली मैंने पे कर दिया है बिल और इलेक्ट्रिसिटी फिर से आ चुकी है। चलो कोई बात नहीं। और सामान यहाँ से तो बहुत कम बिक रहा है, तो चलो यहाँ से फटाफट नए सामान हम निकाल लेते हैं। ये कुछ मेरे हाथ पे आ गया है बॉक्स, इसको प्लेस कर देते हैं। फिलहाल तो मैं नीचे ही रख देता हूँ। गलती से एक ये वाला ट्रंक ओपन करेंगे पीछे का और पूरा एक बॉक्स लेंगे और उसको डायरेक्ट ही हम अंदर लेकर जाएंगे। ये रहा, ओके। अभी चलते हैं दूसरा एक बॉक्स लेते हैं। ओके, कैशूज आ चुके हैं। फिर है ओके, लास्ट बॉक्स है ये, इसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ये हो चुका है डन। ऑल राइट गाइज, अभी बज चुके हैं रात और अपना एम्प्लॉय भी चले गया। फिलहाल कैशियर में देखते हैं कितना कैश आ चुका है। और ये $297 गाइज, फाइनली $297 के हमने इनकम कर लिया, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल इस शॉप को करते हैं क्लोज, चलते हैं अपने इस घर की ओर, क्योंकि अभी शाम के टाइम पे कोई कस्टमर्स आने वाले हैं नहीं। तो चलो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।